हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज मैं आपके पास एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसको देख के आप लोग खुश हो जाओगे। जी हां, ये जो वीडियो ये नेपाल की सबसे खतरनाक जगहों के बारे में, आज हम जानेंगे कि नेपाल की सबसे खतरनाक जगह कौन कौन सी है और उनमें ऐसा क्या क्या खतरनाक है जिससे कि लोग उन्हें खतरनाक जगह कहते हैं और वो जगह क्यों फेमस है खतरनाक होने की वजह से। चलिए वीडियो को देखते हैं, वीडियो को देखने के बाद में पता चलेगा और फिर वीडियो के एंड में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उन वीडियो के बारे में और ये जो खतरनाक वर्ड है ना इसके बारे में, क्या सच में ये जगह खतरनाक है, लेकिन किस तरह से खतरनाक है, भूतिया टाइप में खतरनाक है या वहाँ के रोड्स वगैरह या हिल्स माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं उस लिए खतरनाक है, वो तो हमें सारी की सारी चीज़ें वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया तो पैसा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा फेसबुक फॉलो कर लीजिए जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा फेसबुक मैसेज करके भी अपनी रिकमेंडेशन मुझे दे सकते हैं जिससे कि मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं हम लोग यूट्यूब पे जहाँ पे हमें वो वीडियो मिलेगी। कौन सी वीडियो? टॉप डेंजरस प्लेसेस इन नेपाल, टॉप फाइव डेंजरस प्लेसेस इन नेपाल, ये देख लेते हैं। ओहो, तो टॉप फाइव डेंजरस प्लेसेस इन नेपाल, तो यहाँ पे टॉप पे आ रहा है नेपाल की ये पांच सबसे खतरनाक जगह, नेपाली की पांच सबसे खतरनाक जगह नेपाल, टॉप फाइव डेंजरस प्लेसेस। ये चार महीनों के वीडियो को 738K व्यूज हैं इस वीडियो पे और ये जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं ये हम देखेंगे जय नेपाल के यूट्यूब चैनल से। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हेडफोन लगा लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, 1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों, जय नेपाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो कि बहुत खतरनाक है, लेकिन दोस्तों खतरनाक होने के बावजूद भी इन जगहों का प्रयोग किया जाता है। इन जगहों पे, इन खतरनाक जगहों पे कई मनुष्यों की जानें भी चली गई हैं, लेकिन दोस्तों काम इसी प्रकार चलता रहता है। जाने भी चली दोस्तों गई। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की ऐसी पांच खतरनाक जगहों के बारे में, पांच ऐसी खतरनाक प्लेसेस के बारे में जो कि विश्व में सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है। अच्छा, बड़े बड़े एक्सपर्ट भी यहाँ जाने से डरते हैं। तो चलिए अच्छा दोस्तों, बिना समय गवाए हमारे इस काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। भी जाने से डरते दोस्तों, हैं तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेपाल से रिलेटेड आपको हर प्रकार के अपडेट जय नेपाल यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए हमारे इस काउंटडाउन को स्टार्ट करके देखते हैं कि नेपाल की ऐसी कौन सी पांच जगहें हैं जो कि विश्व में सबसे खतरनाक मानी जाती हैं। नंबर लुक्ला एयरपोर्ट, तेंजिंग हेलरी एयरपोर्ट। दोस्तों नंबर एक पर आता है नेपाल और दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट लुक्ला एयरपोर्ट, जिसका नाम है दोस्तों तेंजिंग हेलरी एयरपोर्ट भी इसको कहा जाता है। अच्छा जी। दोस्तों इसको विश्व के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। हिस्ट्री टीवी जब दोस्तों विश्व के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट को कवर कर रहा था तो उसने इसको पहली लिस्ट में रखा था, यानी लुक्ला एयरपोर्ट को नंबर वन पर रखा था सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की श्रेणी में। अगर कोई दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पर्वतारोही आता है तो सबसे पहले उसकी सीढ़ी यह एयरपोर्ट ही होता है। उसको पर्वत चढ़ने से पहले सबसे पहले इस खतरनाक चीज़ को झेलना पड़ता है। बात कर लेते हैं इस एयरपोर्ट की ऊंचाई की, तो समुद्र तल से दोस्तों ये 9383 फीट ऊंची है जो कि बहुत लंबी ऊंचाई आप देख सकते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि बड़े बड़े लोग यहाँ जाने से घबराते हैं। बात कर लेते हैं इस एयरपोर्ट से उतरने से पूर्व 300 से ज़्यादा लोगों की यहाँ जान जा चुकी है और ऐसे अनगिनत लोग घायल भी हो चुके हैं। इस एयरपोर्ट पे प्लेन उतारना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट भी दोस्तों यहाँ प्लेन उतरने से डरते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ दोस्तों एक एक्सपर्ट और यहाँ वर्षों की ट्रेनिंग के बाद ही कोई इंसान प्लेन उतार सकता है। बात कर लेंगे इसके रनवे की, तो इसके रनवे की लंबाई दोस्तों मात्र 527 मीटर ही है, क्योंकि एक बहुत ही छोटा रनवे है। इतनी खतरनाक मुश्किल आती है लेकिन फिर भी दोस्तों कई जो प्लेन उड़ाने वाले हैं वो उसको उतारते हैं क्योंकि वो उनका वर्क है। बात कर लेते दोस्तों इस एयरपोर्ट को 1964 में सर एडमंड हिलरी द्वारा बनाया गया था, लेकिन दोस्तों बाद में इसका नाम 2008 में चेंज कर दिया गया और तेंजिंग हेलरी एयरपोर्ट रख दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तेंजिंग नॉर्वे और हेलरी दोनों दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले मनुष्य बने थे। बात कर लेते हैं इस एयरपोर्ट की, तो इस एयरपोर्ट पर हर साल लगभग 1 लाख से ज़्यादा पैसेंजर आते हैं।
ये एयरपोर्ट खतरनाक एयरपोर्ट की श्रेणी में जाना जाता है और अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले आपको इस खतरनाक चीज़ को फेस करना पड़ेगा। नंबर दो, करनाली हाईवे रोड। दोस्तों नंबर दो हाईवे रोड नेपाल खतरनाक लग रहा है। खतरनाक हाईवे रोड वो है करनाली हाईवे रोड। इसको नेपाल की भाषा में, नेपाल में इसको S13 हाईवे भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि नेपाल एक हिमालयन 232 किलोमीटर का है, दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए रोड बनाने पड़ते हैं और ये रोड दोस्तों पहाड़ों को काटकर बनाए जाते हैं। इन पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले रास्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनको बनाने में दिक्कत तो आती ही आती है, साथ ही साथ इस कठिन रास्ते पर वाहन चलाना और उस पर आगे बढ़ना बहुत कठिन होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं करनाली हाईवे की, तो इसको हिस्ट्री टीवी 18 और बहुत सारी तो दुनिया भर की मैगजीन ने टॉप 10 वर्ल्ड टफेस्ट हाईवे में रखा है और दोस्तों कई ऐसी मैगजीन है जिन्होंने इसको सबसे खतरनाक हाईवे में रखा है। बात कर लेते हैं दोस्तों सरकार ने, यहाँ दोस्तों बहुत हादसे होते हैं क्योंकि ये गाड़ी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस एरिए में बस चलाना, कार चलाना बड़ा मुश्किल का है। तो दोस्तों सरकार ने हादसों की वजह से यहाँ रात में गाड़ी चलाने पर बैन लगा रखा है। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ गाड़ी चलाने की, तो बहुत ही सावधानी से यहाँ गाड़ी चलाना पड़ता है और सतर्कता से भी गाड़ी चलाना पड़ता है। दो गाड़ियाँ तो बड़ी मुश्किल से क्रॉस हो सकती, कहा जाए नामुमकिन, यानी कोई एक्सपर्ट ही होगा जो दो गाड़ियों को आपस में क्रॉस कर सकता होगा। अगर आपने तनिक भी गलती की, पलक भी पाल पलक झपकी, तो सीधे दोस्तों बस खाई में गिरेगी और आपका नामोनिशान मिट जाएगा। तस्वीर देख के ही आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये हाईवे है। तो इस हाईवे पे दोस्तों ट्रैवलिंग करना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए कई बार ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र भी बनता है और टूरिस्ट भी कई बार यहाँ ट्रैवल करने के लिए आते हैं। तो अगर आप जाएं और आप टूरिस्ट भी ट्रैवल करना चाहते हैं और आपको एडवेंचर पसंद है तो इस नेशनल हाईवे पे, इस हाईवे पे जरूर जाएं। नंबर तीन, भोटे घोसी रिवर बंजी जंपिंग। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है भोटे घोसी रिवर बंजी जंपिंग। दोस्तों आप सभी को, अगर आपको मैं कहूँ कि आपको 160 मीटर ऊपर से कोई रस्सी बांधकर धक्का दे, तो आप सोचिए आपके दिल और दिमाग में क्या चलेगा। जी हाँ दोस्तों, बंजी जंपिंग करना कोई आसान खेल नहीं है। और रही बात नेपाल की, तो नेपाल में बहुत सारी जगह बंजी जंपिंग होती है, लेकिन बात करें इस बंजी जंपिंग की जो कि भोटे कोसी रिवर पे होती है, तो ये बहुत ही मुश्किल है। बात कर लेते हैं इस रिवर की बंजी जंपिंग को विश्व की तीसरी सबसे लंबी, सबसे बड़ी बंजी जंपिंग में गिना जाता है। बात करें कई, बहुत ही कम लोगों में जिगरा होता है बंजी जंपिंग करने का, और जब वो इतनी ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कैसे उनके हालात होते होंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है और इसके लिए बहुत ही बड़ा जिगरा चाहिए। दोस्तों अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ एडवेंचर तो मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको एक डर का अनुभव भी होगा। अगर आप करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बंजी जंपिंग होती है कोसी नदी पर, ये बहुत ही सेफ तरीके से होती है। इसको वर्ल्ड की सबसे सेफ बंजी जंपिंग में से गिना जाता है। खतरनाक तो है ही है, लेकिन दोस्तों इसमें पूरी सेफ्टी रखी जाती है आप सभी के लिए। अगर आप यहाँ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ आपको 9,000 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा बंजी जंपिंग के लिए। अगर आप खुद को खतरों के खिलाड़ी समझते हैं तो आ जाइए कोसी रिवर पे, बंजी जंपिंग आपका इंतजार कर रही है। अरे चलो भैया, भासा ब्रिज नेपाल। दोस्तों हमारे काउंटडाउन पे नंबर 4 पे आता है नेपाल का घासा ब्रिज। इस ब्रिज की अगर बात करें तो इसको वर्ल्ड के सबसे खतरनाक टॉप 10 ब्रिजों में शामिल किया गया है। दोस्तों यह ब्रिज नेपाल के दोस्तों एक विलेज में स्थित है। जो बात कर लेते हैं इस, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये दो पहाड़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है और जब इसकी खाई देखेंगे आप, तो इस खाई की ऊंचाई बहुत ज़्यादा फिट है। बात कर लेते हैं, अगर आप इस ब्रिज के एक पार से दूसरी ओर जाते हैं, ये ब्रिज हिलता बहुत तेज़ी से है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मन में खतरनाक सा अनुभव होता भी है। लेकिन दोस्तों इस ब्रिज को खतरनाक होने के कारण ही ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र भी बनता है और कई ट्रैकर और कई दोस्तों यहाँ टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र बन जाती है। पूना सर्किट पर ट्रैकिंग करनी है तो इस ट्रैक से आपको, इस पुल से या इस ब्रिज से आपको जो घासा ब्रिज है उससे ज़रूर जाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि नेपाल एक हिमालयन कंट्री है। जब एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ना पड़ता है तो कई बार इस मौके पर आप सड़क भी नहीं बना सकते, आपको एक पुल बनाना पड़ेगा जो कि बहुत महंगा होगा चीज़ों का। तो यहाँ दोस्तों एक पुल, कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, सड़क पुल की, लेकिन एक ब्रिज के कारण यह दोस्तों ब्रिज दोनों जगहों को जोड़ने का काम करता है और दोनों जगहों की जीवन रेखा की तरह काम करता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस ब्रिज है, अगर आप में जिगरा हो तभी इस ब्रिज से जाएं। लेकिन कई एडवेंचर के कारण, जो एडवेंचर को पसंद करते हैं टूरिस्ट, उनके लिए बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र बनता है और ऐसी कई खतरनाक चीज़ें जो हैं, डेंजरस चीज़ें हैं जो कि एडवेंचर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं नेपाल की ओर।
मित्रों अभी तक हमने जो चार जगहों के बारे में जाना था वो मैन मेड डेंजरस प्लेसेस हैं, लेकिन जो पांचवी प्लेस के बारे में अब हमें बात करने वाले हैं वो एक प्राकृतिक डेंजरस चीज है जो कि नेपाल में स्थित है। अभी हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पांचवें नंबर पे एवरेस्ट लेक, जो कि दोस्तों इमजा ग्लेशियर लेक है। डिटेल में आपको बात करें तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से या फटने से इतनी भीषण हादसा हो गया। देखेंगे आप कई लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, इसमें कई नेपाली नागरिक भी फंसे हैं क्योंकि वो भारत में आके साथ में काम करते तो वो भी फंसे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक चीज होती है। तो ऐसा ही ये ग्लेशियर दोस्तों जो कि नेपाल में स्थित है, जिसका नाम है इमजा ग्लेशियर लेक, आप इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैं बात करता हूँ, ये विश्व के सबसे खतरनाक ग्लेशियर में से गिना जाता है। अभी खतरनाक क्यों है ये लेक, खतरनाक क्यों है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर ऊंचाई पर लेक स्थित है, और बात करेंगे इसकी चौड़ाई की तो लगभग 1 किलोमीटर के लगभग ये पड़ती है। बात करेंगे इस ग्लेशियर के टूटने से, क्योंकि ये जो लेक हो रही है, ये लेक क्या कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जी हाँ दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसका जो पानी का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, और इसकी जो बर्फ है वो ठंड में भी कहीं ना कहीं पिघल रही है, तो एक बहुत बड़ा साइन है। तो ये चीज़ें ये बहुत खतरनाक कि अगर यहाँ से कोई ग्लेशियर टूटता है तो नेपाल के साथ साथ भारत में भी दोस्तों तबाही कहीं ना कहीं हो सकती है। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ें मैंने इसको इसलिए रखा है। दोस्तों आप सब, आपको मैंने बता दिया कि ऐसी कौन कौन सी पांच चीज़ें हैं जो कि सबसे खतरनाक है। मैंने शुरू की चार जैसा कि आपको बताया टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है, लेकिन पाँचवीं चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों हम सबको प्राकृतिक खतरनाक चीज़ों से, प्राकृतिक डेंजर चीज़ों से अवेयर भी करती है। मेरा ये मकसद था दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से, मेरा ये मकसद था कि एक डेंजरस टूरिज्म जो होता है, एडवेंचरस टूरिज्म जो होता है उसको भी प्रमोट करना। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों पांचवा जो मेरा काउंटडाउन था उससे मेरा मकसद था कि लोगों का ध्यान आकर्षित करना प्रकृति की ओर। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये जितनी भी चीज़ें, हम ग्लोबल वार्मिंग होती है, प्रदूषण होता है, वो ज़्यादातर विकसित देश करते हैं, जो विकसित हो चुके होते हैं, और उनके कारण दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों जो नेपाल से देश जो कि प्रकृति की गोद में बसते हैं उनको झेलना पड़ता है। और इसकी चीज़ें प्राकृतिक आपदाएं कई बार डिस्टर्ब भी होती हैं, लोगों की जाने भी ले लेती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक ये सोशल मैसेज पर आपका मैसेज भी मैं देना चाहता था कि यार प्रकृति के जरूर ख्याल रखें, क्योंकि वो चीज़ें अगर, क्योंकि प्रकृति का गुस्सा नेपाल ने तो फेस किया ही 2015 में कई लोग, और हमने भी भारत में भी उत्तराखंड में लोग फेस ही कर रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं दोस्तों प्रदूषण या फिर हमारे जो नेचुरल कॉज है उनके, नेचुरल कॉज नहीं, हमारे द्वारा जो बनाए गए कॉज है उनके द्वारा ही हो रहा है। तो हम इस चीज़ पर ही फोकस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा, नेपाल की पांच सबसे खतरनाक जगह, जिसमें से चार जो जगह थी वो तो थी ह्यूमन मेड, मैन मेड, लेकिन जो पांचवी जगह थी ग्लेशियर, इमजी ग्लेशियर, जो कि प्राकृतिक नेचुरली खतरनाक है। और पांचवें नंबर पे उसको इसलिए रखा गया क्योंकि जय नेपाल के जो यूट्यूबर हैं उन्होंने इसमें बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। इसका पानी का स्तर और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और जैसे कि जो कंट्रीज विकसित हो चुकी हैं, डेवलप्ड हो चुकी हैं, वो लोग ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा फैला रही हैं, और जो देश प्रकृति की गोद में बसे हुए हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है कि यहाँ जो भी तबाही, जो भी प्राकृतिक तबाही आएगी वो सबसे पहले उन्हीं लोगों से शुरुआत होगी जो कि प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि इसके अंदर बताया गया बंजी जंपिंग वाला एक ख़तरनाक चीज़, वो तो भाई साहब देख के ही मैं तो परेशान हो गया यार कि मतलब लोग कैसे कर लेते हैं बंजी जंपिंग। एक तो उसने बताया कि 9000 रुपये लगते हैं वहाँ पे बंजी जंपिंग के, साथ ही साथ जान का खतरा भी, मतलब हम 9000 रुपये दे रहे हैं अपनी जान के खतरे के लिए। अब कोई लोग बोलते हैं भाई इसमें मज़ा भी है, अरे क्या मज़ा है, मेरे को तो देख के मैं तो हालत ख़राब हो गई, मज़ा क्या मिलेगा। जो लोग करते होंगे उनको मिलता होगा मज़ा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको करिए मत, कीजिए, जो भाई हैं खतरों के खिलाड़ी जो बनना चाहते हैं वो करें, मज़ा लें, पैसा दें, अपनी जान के साथ खेलें और ज़िंदगी जिए। अपनी यही कहूँगा मैं, बाकी सेफ रहें, सुरक्षित रहें भाई साहब, जिनमें जिगरा है वही ये चीज़ करें, और फालतू में किसी की बातों में आकर के नहीं कि यार वो भी कर रहा तो मैं भी कर लेता हूँ, नहीं ऐसे मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है यार ये बंजी जंपिंग, बहुत ही ज़्यादा, मेरे को तो बंजी जंपिंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगता है यार। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को सबसे ख़तरनाक जगह कौन सी लगती है
वो हाईवे आपको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगता है या फिर बंजी जंपिंग आपको ख़तरनाक लगता है या फिर वो जो ब्रिज है ब्रिज आपको सबसे ख़तरनाक लगता है, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगती है वो चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि पता चलेगा कि भाई नेपाल में सबसे ख़तरनाक जगह आखिर में हकीकत में कौन सी है। इसके अलावा कोई और जगह ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो इस वीडियो में ना बताया गया हो। क्या पता नेपाल के लोगों को पता हो कि वहाँ पे इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा ख़तरनाक जगह है वहाँ पे। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये सारी की सारी घटनाएं, ये जो ख़तरनाक जगह, क्या ये सच है या फिर नहीं। अगर सच है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर जरूर करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। और लास्ट में बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यहीं बरकरार रखिए और मुझे यहीं सपोर्ट करते जिससे कि मैं ऐसे ऐसी और भी ढेर सारे वीडियोज़ लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए।